क्या आप जानते हैं कि हम पृथ्वी के जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कौन से टाइम में रहते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी के इतिहास में हुए कुछ खास इवेंट्स की, कि वो किस पीरियड के दौरान हुए थे। अगर आप अर्थ के इतिहास में कौन सा इवेंट कब हुआ ये जानना चाहते हैं, तो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम इसे एक तरह का कैलेंडर कह सकते हैं, जिसमें अर्थ की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स टाइम पीरियड वाइज मार्क्ड है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, इसीलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बहुत सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सबसे ब्रॉड कैटेगरी है इयोन। पृथ्वी के इतिहास को चार इयोन्स में दर्शाया जाता है। सबसे पहला हेडियन, फिर आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। शुरुआत के तीन इयोन्स यानी कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयोन को साथ में प्री कैम्ब्रियन इयोन भी कहते हैं। हम लास्ट की इयोन यानी कि फेनेरोजोइक इयोन में रहते हैं, जिसका मतलब है विजिबल लाइफ। लास्ट इयोन यानी कि फेनेरोजोइक इयोन पृथ्वी के इतिहास का सिर्फ 12% हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी के तीन इयोन्स यानी कि प्री कैम्ब्रियन इयोन पृथ्वी के इतिहास का 88% हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। पुराने युग हमें पृथ्वी की शुरुआत दिखाते हैं, जीवन की उत्पत्ति बताते हैं और जटिल जीवन के आने की कहानी दर्शाते हैं। सबसे पहले आते हैं इयोन, देन इरा, उसके बाद पीरियड, देन इपोक एंड लास्ट में एजेस। तो सबसे पहले आता है हेडियन इयोन। हेडियन इयोन को 4 इराज में सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्रिप्टिक इरा, देन बेसिन ग्रुप्स, थर्ड नेक्टरीन इरा, फोर्थ अर्ली इम्ब्रियन। इसका टाइम पीरियड है 4.6 बिलियन ईयर्स टू 4 बिलियन ईयर्स। हेडियन इयोन में काफी सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम बना और हेडियन के फर्स्ट एरा में अर्ली बम्बार्डमेंट फेज शुरू हुआ। इनिशियली ग्रेविटेशनल कंप्रेशन, वॉल्केनिज्म और रेडियो एक्टिव डिके की वजह से पृथ्वी बहुत गर्म थी और बाकी की कमी हैवी एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट ने पूरी कर दी। इसी इयोन में हमारा ओल्डेस्ट नोन मिनरल यानी कि जिरकॉन पाया गया और ऐसा माना जाता है कि हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पृथ्वी की सतह पर पानी लेकर आए। नेक्टरीन इरा में प्लेट टेक्टोनिक्स की पहली झलक देखने को मिली और कार्बन के आइसोटोप्स मिले, और इसके लास्ट इरा में प्रीमॉर्डियल लाइफ जैसे कि केरोजीन के इनडायरेक्ट फोटोसिंथेटिक होने के एविडेंस मिले। अब बात करते हैं सेकंड इयोन यानी कि आर्कियन इयोन की। इसका टाइम पीरियड है 4 बिलियन ईयर्स टू 2.5 बिलियन ईयर्स। इसको 4 इराज में सब डिवाइड किया गया है, इयो आर्कियन, पलियो आर्कियन, मेजो आर्कियन और नियो आर्कियन। सबसे पहला ओशियन इसी इयोन में बना था, जिसके बाद सिंपल सिंगल सेल लाइफ जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया अस्तित्व में आए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हुए। फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया इसी इयोन में आया था। पृथ्वी के ओल्डेस्ट क्रेटोन्स जैसे कि कैनेडियन शील्ड और पिलबरा क्रेटोन इसी दौरान बने थे। मेजो आर्कियन में पहली स्ट्रोमेटोलाइट्स की उत्पत्ति हुई। अब आता है थर्ड इयोन यानी कि प्रोटेरोजोइक इयोन। इसका टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर्स टू 541 मिलियन ईयर्स। प्रोटेरोजोइक का मतलब है अर्लियर लाइफ। प्रोटेरोजोइक इयोन पृथ्वी के इतिहास का 42% हिस्सा कवर करता है, जो कि चारों इयोन में सबसे बड़ा हिस्सा है। इस इयोन में तीन इराज आते हैं, पहला पैलियो प्रोटेरोजोइक इरा, सेकेंड मेजो प्रोटेरोजोइक इरा, थर्ड नियो प्रोटेरोजोइक इरा। इस इयोन में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और शैलो ओशन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। इस इवेंट को हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन या फिर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से वो सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक थी, और ऐसे नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए जो ऑक्सीजन रेजिस्टेंट थे, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जैसे सिंपल सेल्स से यूकैरियोट्स जैसे सेल्स इवॉल्व हुए। इसके बाद साइडेरियन पीरियड में
बैंडेड आयरन फॉर्मेशन बनी। इसके बाद रायसिन पीरियड में पहला आइस एज आया, जिसे हम ह्यूरोनियन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। स्टेनियन पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया अस्तित्व में आया। ओजोन लेयर इसी इयोन में बनी थी। पहले आइस एज के हजारों मिलियन ईयर्स बाद दूसरा एक्सट्रीम आइस एज आया, जो कि क्रायोजीनियन पीरियड में हुआ। इसे हम स्नोबॉल अर्थ के नाम से जानते हैं। और इसी पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया टूट गया। प्रोटेरोजोइक इयोन के एंड में स्पॉन्जेस और ट्राइलोबाइट्स बने। अब आता है लास्ट इयोन, जिसे हम कहते हैं फेनेरोजोइक इयोन। इसे फर्दर थ्री इरास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज पैलियोजोइक इरा, यानी कि ओल्ड लाइफ। सेकंड वन इज मेसोजोइक इरा, यानी मिड लाइफ। एंड थर्ड वन सेनोजोइक इरा, यानी कि न्यू लाइफ। ये इयोन 541 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। एट प्रेजेंट हम फेनेरोजोइक इयोन के सेनोजोइक इरा के क्वार्टनरी पीरियड के हेलोसीन इपॉक के मेघालियन एज में रहते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन नाम का एक इवेंट हुआ, जिसमें एनिमल फाइला को बिलोंग करने वाले काफी सारे एनिमल्स तेजी से इवॉल्व हुए। उसके बाद गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट बना। पानी में अर्ली कोरल्स और स्टारफिश जैसे और भी जीव जंतु आए और जमीन पर उगने वाले पौधे और फंगी अस्तित्व में आए। ऑर्डोविसियन पीरियड के एंड में आइस एज आया, जिसका नाम था इंडियन सहारन। और उसी दौरान ऑर्डोविसियन सिलूरियन एक्सटेंशन इवेंट हुआ, जिसमें काफी सारे जीव जंतु खत्म हो गए। ये सेकेंड लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन था। सिलूरियन पीरियड में काफी सारे पानी में रहने वाले जीव जंतु इवॉल्व हुए। इसके बाद डिवोनियन पीरियड में सीड बियरिंग प्लांट्स आए, टेट्रापॉड्स आए। पानी में लोब फिन फिश, रे फिन फिश और अर्ली शार्क्स का राज हो गया। डिवोनियन पीरियड के एंड में और कार्बोनिफेरस पीरियड के स्टार्टिंग में एक और मास एक्सटेंशन हुआ। ये अब तक का दूसरा मास एक्सटेंशन था। कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आए। ओशियन में अर्ली शार्क्स की वैरायटीज इवॉल्व हुई। पंख वाले इंसेक्ट्स आए और ईस्ट गोंडवाना में ग्लेशियन हुआ, यानी आइस एज हुआ, जिसे हम परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशियन भी कहते हैं। जिसके बाद पर्मियन पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बना। बीटल्स और फ्लाइज इवॉल्व हुए। मरीन लाइफ भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन फिर हुआ अब तक का सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन, जिसका नाम है पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, ऑल्सो नोन एज पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। ये इतना भयंकर मास एक्सटिंक्शन था कि इसमें 95% लाइफ खत्म हो गई थी। इसी के साथ पैलियोजोइक इरा का अंत हुआ और मेसोजोइक इरा की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले ट्रायसिक पीरियड में जमीन पर आर्कोसॉर्स रहते थे और हवा में टेरोसॉर्स और पानी में इक्टियोसॉर और नॉथोसॉर राज करने लगे। इसी पीरियड में फर्स्ट मैमल और क्रोकोडाइल आए, इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए। इसके बाद जुरासिक पीरियड स्टार्ट हुआ, जिसमें सॉरोपॉड्स, कार्नोसॉर्स और स्टेगोसॉरस जैसे डायनासोर्स आए। जुरासिक पीरियड में मैमल्स काफी कॉमन हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी साइज में बहुत छोटे थे। सी पीरियड में फर्स्ट बर्ड्स आई, डायनासोर्स की और नई नई प्रजातियां इवॉल्व हुई। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया गोंडवाना और लोरेजिया में टूट गया। इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट्स आए। मैनी डायनासोर्स लाइक टायरानोसॉर्स, टाइटेनोसॉर्स और हाइड्रोसॉर्स इवॉल्व हुए। क्रोकोडाइल के एंसेस्टर्स मॉडर्न क्रोकोडाइल्स में इवॉल्व होने लगे। इसी पीरियड में मेसोसॉर्स और मॉडर्न शार्क्स आई। और क्रिटेशियस पीरियड के एंड में सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना भी टूट गया। इसके बाद आता है सेनोजोइक एरा, जिसमें एक और भयानक मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसे हम क्रिटेशियस पैलेजीन एक्सटिंक्शन या क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस मास एक्सटिंक्शन की वजह से पृथ्वी पर पल रहे जीवन का 3/4 हिस्सा खत्म हो गया। सब इस मास एक्सटिंक्शन की चपेट में आ गए, जिसमें डायनासोर्स की बड़ी प्रजाति भी शामिल थी। 25 केजी वेट से ज्यादा वाले सभी टेट्रापॉड्स खत्म हो गए। क्रोकोडाइल और सी टर्टल जैसे कुछ गिनी चुनी प्रजातियों को छोड़कर सभी इस भारी विनाश के शिकार बन गए। मास एक्सटिंक्शन के बाद धीरे धीरे मैमल्स इवॉल्व हुए। इंडियन कॉन्टिनेंट की यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद हिमालय अस्तित्व में आया। और इसके बाद अंटार्कटिक ग्लेशियर, यानी कि लेट सेनोजोइक आइस एज शुरू हुआ। उसके बाद नियोजीन पीरियड में एप्स के एंसेस्टर्स, मॉडर्न मैमल्स और बर्ड्स, हॉर्सेस इवॉल्व हुए। और फिर शुरुआत हुई क्वार्टनरी पीरियड की, जिसके बाद क्वार्टनरी ग्लेशियर हुआ। उसके बाद एंशिएंट ह्यूमंस यानी आर्काइक ह्यूमंस इवॉल्व हुए। और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते मॉडर्न ह्यूमंस अस्तित्व में आए।
सो दिस वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो, थैंक्स फॉर रिक्वेस्टिंग। इस वीडियो में अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड लिया गया है। इन फ्यूचर और भी चीजें ऐसी डिस्कवर हो सकती हैं जो हमारा पृथ्वी के इतिहास को देखने का नजरिया बदलते हैं।